नमस्कार साथियों, आज हम समझेंगे कि आइसिनिया फेटिडा किस्म के केंचुए को पहचाने कैसे। यह प्रजाति कई नामों से जानी जाती है, जैसे रेड वर्म, टाइगर वर्म और रेड विग्लर वर्म। यही प्रजाति है जो गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाने में सबसे ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि यह प्रजाति 90% गोबर खाती है और 10% अन्य पदार्थ जैसे मिट्टी, पत्ते इत्यादि। तो आइए समझते हैं आइसिनिया फेटिडा किस्म की पहचान। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इसमें कि ये लाल कलर के होते हैं। इनका जो सिर वाला हिस्सा है आप देख रहे हैं, ये आगे चल के जो जा रहा है ये बिल्कुल लाल कलर का है, और इसका जो पीछे वाला हिस्सा है, ये वाला आप जो देख रहे हैं पूंछ वाला हिस्सा है, इन दोनों केंचुओं में आप देख सकते हैं ये पीला है, इसका भी ये पीला है। इनका शरीर कई खंडों में बटा हुआ होता है, ये आप देख रहे हैं छल्ले नुमा इनके शरीर के ऊपर बने हुए हैं, ये खंड 100 से भी अधिक होते हैं। ये आप देख रहे हैं जो इनके शरीर के नीचे की तरफ है, ये प्रत्येक खंड के नीचे ब्रिसल्स बने हुए हैं। ये मैंने केंचुए को पलट दिया है, अब मैं इसको सीधा कर रहा हूँ जिससे आप देख पाएंगे कि ये जो इसका शरीर को जो ये आगे पीछे कर रहा है, ये जो जा रहा है इससे, ये उन ब्रिसल्स की मदद से केंचुआ अपना आगे पीछे शरीर को बढ़ाने में मदद लेता है। इनके शरीर के ऊपर एक क्लाइटेलम पाया जाता है, ये आप देख रहे हैं थोड़ा उभरा हुआ सा हिस्सा है, और ये क्लाइटेलम जो कि एक मैच्योर केंचुए की पहचान है। और यह क्लाइटेलम आप अगर देखेंगे तो ये लगभग 27 से 32वें खंड तक इनके ऊपर पाई जाती है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।